ये ताई ने क्या बोल दिया, इस बार चुनाव में क्यों नहीं उतरी ताई। 30 साल से इंदौर की सांसद रही सुमित्रा महाजन इस बार चुनाव में नहीं उतरी हैं। इंदौर से टिकट मिलने पर सुमित्रा महाजन पहली बार खुलकर बोली हैं। उन्होंने कहा कि मैंने हाईकमान से पूछा था कि मुझे बताएं कि टिकट मामले में क्या चल रहा है, कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने भी इनकार का फैसला कर लिया। अमित शाह से भी बात हुई तो उन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि कुछ समय और दीजिए। ताई 1990 से सांसद रही हैं और लोकसभा अध्यक्ष तक का सफर तय किया है। उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा काम भी हुआ और हंगामा भी। हाल में विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार को वो गंभीरता से नहीं लेती, उन्हें विश्वास है कि लोकसभा सीट भाजपा ही जीतेगी, इस बार लापरवाही नहीं होगी। जनता मोदी को फिर से पीएम के पद पर देखना चाहती है। उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा मोर्चे पर सफलता और दूसरे के कामों से वो खुश हैं। उन्हें विश्वास है कि मोदी कड़े फैसले ले सकते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मालवा हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है, यहाँ तक कि बाहरी लोग भी भाजपा के टिकट पर जीते हैं। शंकर लालवानी की तारीफ करते हुए ताई ने बताया कि वे पुराने कार्यकर्ता हैं, वे 2 बार पार्षद रह चुके हैं, इंदौर विकास प्राधिकरण के सदस्य थे और उन्होंने कई संगठनात्मक काम किए हैं, जनता भी उन्हें जानती है, वे सही उम्मीदवार हैं। अपनी उम्मीदवारी पर ताई ने बताया कि वे जिस पद पर पहुंची थी उसे लेकर पार्टी के नेतृत्व को जरा हिचकिचाहट हो रही थी, वे नियमों से भी बंधे थे। ताई संगठन में भी गई थी लेकिन कुछ बोली नहीं, उन्हें लगा कि सभी उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, उन्हें जबरदस्ती राजनीति में लाया गया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।